कर्नाटक के बेंगलुरु में बुधवार से शुरू होने वाले एरो इंडिया शो की रिहर्सल के दौरान सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम के दो विमान एक साथ क्रैश हो गए। हादसा होते ही बेंगलुरु के येलाहांका एयरबेस और आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार फैल गया। इस हादसे में दोनों विमान के पायलटों ने क्रैश से पहले छलांग लगा दी थी, लेकिन एक पायलट की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने दोनों पायलटों को प्लेन क्रैश से पहले पैराशूट से छलांग लगाते हुए देखा। सूर्य किरण टीम का गठन 1996 में किया गया था। इसके पायलटों ने 1998 में पहली बार एरो शो के दौरान अपनी कलाबाजियां दिखाईं। अभी तक इस विमान के पायलट 450 से ज्यादा शो कर चुके हैं। इनमें सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों में दिखाए गए करतब भी शामिल हैं। सूर्य किरण विमान 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में करतब दिखाते हैं।